डेली से डोज के डोज नंबर 15 में आज हम बात करने वाले अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का सही तरीका। ठीक है, देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको अप्रोच पता होना चाहिए बेसिकली साइंस के पोर्शन में, जहां पे काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता है एग्जाम टाइम में ऑप्शंस को लेके। तो मैं यहां पे आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप सही अप्रोच के साथ अच्छे लेवल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं हमेशा करता हूं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहां पे 141 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 141 से स्टार्ट करेंगे। बाकी का जो डोज है आपको प्लेलिस्ट में डेली साइज डोज फिजिक्स के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, वहीं से आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए अपन क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। देखिए क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है कि स्थिर पानी में मिट्टी का जो तेल है डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो बहुत ही सिंपल से इसके पीछे लॉजिक है। देखिए जब जो नॉर्मल पानी होता है ना, उसके पृष्ठ तनाव की वजह से मच्छर जो है, उस मच्छर का जो बेसिकली लार्वा जो है वो ऊपर क्या करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। लेकिन जैसे आप इसमें ऑयल वगैरह डाल देंगे, मिट्टी का तेल डाल देंगे, तो इसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और घटते ही जो लार्वा होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, डूब जाते हैं। डूबने की वजह से क्या होते हैं, वो लार्वा मर जाते हैं और मच्छर में कमी आपको देखने को मिलती है। तो बेसिकली से यही आपका रीजन होता है जिसकी वजह से तेल डालेंगे जब भी पानी के ऊपर, तो मच्छर आपको कम मिलेगी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, अब आप आसानी से इसको टिक भी कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। प्रजनन में बाधा डालता है, बिल्कुल ऐसा कुछ है नहीं, मच्छरों के लिए उचित विष है, ऐसा भी नहीं है। तो लार्वा में सांस में बाधा डालता है, बिल्कुल डूब जाने की वजह से ऐसी घटना देखने को मिलती है, लार्वा जो है सांस नहीं ले पाती और वो मर जाती। तो ये वाला आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, चलिए इसको टिक करते हैं, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन है, सीपीओ एसआई 2008 का क्वेश्चन है। बोले पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश का जो बाल है वो आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्या रीजन है कि जो शेविंग जो ब्रश है वो अगर आप पानी से डुबो कर निकालेंगे तो आपस में चिपके हुए रहते हैं? तो देखिए इसके पीछे सिंपल सा एक साइंस है, वो क्या है, सरफेस टेंशन का। आपको मैंने पिछले डोज में जो कि डोज नंबर 14 था, उसमें मैंने आपको बताया कि जो सरफेस टेंशन होता है, ठीक है, जो सरफेस टेंशन जिसको हम पृष्ठ तनाव बोलते हैं, बेसिकली किसी भी जो लिक्विड होता है उस लिक्विड होता है उसका वह गुण होता है जिसके कारण से वो क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में सबसे कम स्थान घेरना चाहती है। ठीक है, तो जब शेविंग ब्रश को पानी के अंदर से निकाला जाता है तो उस ब्रश का जो आपका बाल है उसमें क्या हो रहा होता है, एक फोर्स लग रहा होता है, वो कौन सा, सरफेस टेंशन का, जिसकी वजह से उनके जो शेविंग ब्रश के जो बाल है वो आपस में क्या होते हैं, चिपके हुए दिखते हैं। ठीक है, तो देखिए किस ऑप्शन में आपका राइट आंसर होगा, तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं ध्यान से। तो देखिए पहला है ये रहा पृष्ठ तनाव, फर्स्ट नंबर में फर्स्ट ऑप्शन में आपको आंसर मिल रहा है पृष्ठ तनाव। मैंने आपको बताया पृष्ठ तनाव के कारण से ऐसी घटना देखने को मिलती है, तो बिल्कुल पृष्ठ तनाव आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है कि स्थिर गति से जा रहे खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को अगर हवा में सीधे ऊपर की ओर फेंकती है तो गेंद गिरेगी। तो याद रखिए अगर ऐसी सिचुएशन में जब भी आप क्या करेंगे, बॉल को ऊपर की ओर उछालेंगे तो वो बॉल पुनः आपके हाथ पे ही आके गिरेगी। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका आंसर हम टिक कर सकते हैं। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये रहा ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उसके हाथ में, चलिए टिक करते हैं इसको, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति, ये हमारा 144 क्वेश्चन होगा, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य विराम स्थिति में न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को टर्ट तक ला सकता है? तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, NDA 2011 का क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसे सिचुएशन में हमेशा कौन सा न्यूटन का कौन सा फोर्स लगाना चाहिए, हमेशा थर्ड लॉ, ठीक है, कौन सा लॉ, थर्ड जो लॉ है उसको यूज करना चाहिए। ठीक है, वो इंसान क्या कर सकता है, उस थर्ड लॉ को यूज करके आसानी से टर्ट तक वापस आ सकता है। आई होप को क्वेश्चन समझ में आया होगा, आंसर का डिस्क्रिप्शन में आपको समझ में आया होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये रहा कौन सा हो जाएगा आपका, न्यूटन का गति का तीसरा नियम। तो ये रहा ये वाला आपका राइट आंसर, तीसरा नियम आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों, यहाँ पर होगा तैरते हैं, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, मिस्टेक है, तैरते हैं होगा। तो कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों तैरते हैं, तो सिंपल सा लॉजिक है, पृष्ठ तनाव की वजह से। मैंने बताया जल में क्या होता है, पृष्ठ तनाव काम कर रहा होता है जिसकी वजह से छोटे छोटे जो ये है टुकड़े हैं कपूर के, वह क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। तो ये रहा ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण
काफी आसान सा क्वेश्चन है, बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठतः क्या हो जाएगा। तो याद रखिए, याद रखने का चीज है कि जब आप शुद्ध जल में डिटर्जेंट घोलेंगे तो उसकी पृष्ठतः क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि यही रीजन है कि कपड़ा को साफ करने के लिए क्या यूज करते हैं, डिटर्जेंट को यूज करते हैं। डिटर्जेंट क्या करता है, पानी के पृष्ठतः को कम कर देता है, और पृष्ठतः जैसे कम होता है तो वो क्या होती है, क्या करती है, जो आपका कपड़ा होता है उसके रेशो तक पहुंच जाती है और कपड़े को साफ कर देती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घर जाता है। ठीक है, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा, बढ़ते आगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठतः क्या हो जाएगा। साबुन को अगर जल में घोलेंगे तो पृष्ठतः क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली घट जाएगा। अभी अभी आपने इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चलिए टिक कर दे इसको, बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घट जाता है। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है कि संवातक कमरे की, अच्छा संवातक मतलब क्या होता है, जो वेंटिलेटर होता है घर पे लगाया जाता है, ठीक है, कुछ इस ढंग का होता है, अलग अलग आकृति को भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, रूम में रहने वाला जो भी आपका इंसान है, ठीक है, उसके द्वारा जो रिलीज किया गया जो सांस है, ठीक है, तो उसको बाहर की तरफ करना और बाहर से अंदर की ओर फ्रेश एयर को क्या करना है, एंट्री देना। बस बेसिकली यही काम होता है वेंटिलेटर का, जिसको हम हिंदी में संवातक बोलते हैं। ठीक है, तो यही रीजन है कि छत, जो छत होता है उसके निकट लगाए जाते हैं क्या, वेंटिलेटर से या फिर संवातक। तो देखिए किस ऑप्शन में है आपका, ये पहला ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए सांस से छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। आपको पता होना चाहिए कि बेसिक सा फंडा है कि जब हवा गर्म होती है तो वो क्या होती है, वो ऊपर की ओर उठती है, और ठंडी हवा क्या होती है, वो नीचे की ओर होती है। तो वेंटिलेटर इसी सिद्धांत के यूज को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, अपनी कार्य को पूरी करती है। आई होप समझ में आया होगा, बढ़ते आगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दो कथन दिया हुआ है, एक कथन और एक कारण दिया हुआ है। पढ़ते पहले कथन को, बोलते अपमार्जक मिले कपड़े में, कपड़े से सफलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं। तो बिल्कुल मैंने आपको समझाया कि बेसिकली क्या होता है, वो पानी का सरफेस टेंशन को कम कर देता है, जिसकी वजह से जो पानी है वो कपड़े के जो रेशों तक पहुंच जाती है और कपड़े को साफ कर देती है। तो कथन आपका एकदम सही है। उसके बाद अपमार्ज, उसके बाद जो कारण है, अपमार्जक जल का पृष्ठतः बढ़ा देता है। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि तनाव को घटा देता है, यानी कि ये वाला कारण आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप ऑप्शन पे आइए, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पे। तो देखिए ये वाला ऑप्शन देखिए कि ए तो सही है ना, ए तो सही है, परंतु आर आपका क्या है, गलत है, यानी ये वाला आपका राइट आंसर होना चाहिए। चलिए टिक कर दे, बिल्कुल ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों, क्या रीजन है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसा क्या कारण है। तो देखिए वहाँ पर सबसे बड़ा रीजन तो यह है कि जो गुरुत्व है वही नहीं है, है ना, जो गुरुत्व है वही वहाँ पे नहीं है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण नहीं होने की वजह से ऐसी घटना होती है। बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, काफ़ी बार इसके बारे में हम लोग जो लोएस्ट स्टैंडर्ड उसमें पढ़ चुके हैं। तो आपका मेन रीजन क्या हो जाएगा, मेन रीजन हो जाएगा गुरुत्व नहीं होती है। तो ये वाला आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए टिक करते इसको, तो बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इस डोज में इतना ही। देखिए इस डोज में हमने टोटल अच्छे ढंग के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लगाए। देखिए मैं आपको बहुत ही कम कम करके ही क्वेश्चन करवाता हूँ, ताकि आपके दिमाग में हर एक क्वेश्चन अच्छे ढंग से बैठ पाए। ठीक है, तो आई होप इस ढंग का डोज आपको पसंद आ रहा हो। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि हर रोज आपको इस ढंग का डोज मिल सके और आपका जो साइंस पोर्शन है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाए। ठीक है, मिलते हैं अगले डोज में, जो कि डोज नंबर 16 होगा। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।